फतेहाबाद में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें पुलिस का कतई खौफ नहीं है। हालात तो कुछ ऐसे ही बयां कर रहे हैं। फतेहाबाद जिले के उपमंडल टोहाना में चोरों ने एक ही रात में करीब 2 दर्जन दुकानों के ताले तोड़े और यहां से लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम भी दिया और फिर चंपत हो गए। पुलिस को जरा भी पता नहीं चला। सेवा सुरक्षा और सहयोग का ढोल पीटने वाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही अब उंगलियां उठने लगी है। चोरी की घटना से खफा इलाके के दुकानदारों ने मंगलवार को अपनी दुकानें बंद कर शहर भर में रोष जताया और थाने का घेराव किया। इस दौरान दुकानदारों ने पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस कर्मचारी कभी भी बाजारों में गश्त नहीं करते, रात के समय तक इलाका सुनसान हो जाता है। यही वजह है कि चोर एक ही रात में 2 दर्जन से अधिक दुकानों के ताले तोड़कर सामान चुराकर ले जाते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस की गश्त समय पर होती तो घटना नहीं होती। टोहाना का आम इंसान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस दौरान दुकानदारों ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 10 दिनों के भीतर चोरों का पता नहीं चला तो दुकानदार आंदोलन शुरू कर देंगे। कल रात गांधी गेट में 28 दुकानों के लगातार ताले तोड़े गए हैं और सारा व्यापारी टोहाने का पूरा व्यापार मंडल, पूरे व्यापारी आज थाना के अंदर आए हुए हैं। आप हमें बताओ कि हमारी सुरक्षा कैसे की जाएगी। जब SHO से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कोई पुख्ता इस बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस रात के टाइम लगातार गश्त करने में लगी हुई है। हमारा ये सवाल है, अगर पुलिस लगातार गश्त करने में लगी हुई है तो लगातार 28 दुकानों के ताले नहीं टूट सकते। आपको जो ताइट इस बारे में सुबह सूचना मिली है, इस बारे में हमारी पुलिस पेट्रोलिंग तो थी रात में, SHO के मोबाइल थी, 2 राइडर थे हमारे, एक हमारी PCR खराब हुई हुई थी और ये काफी दिनों बाद एक ऐसे अचानक ही हादसा हुआ है। इसमें हम काफी सुधार करेंगे, इसके अलावा अलग से पेट्रोलिंग पार्टी और लगाएंगे और खासकर मेन मार्केट में लगाएंगे कि दोबारा से ऐसा हादसा ना हो, दोबारा कभी चोरी होगी तो इन चोरियों को हम ट्रेस भी करेंगे। नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस के हाथ उन ड्रग स्मगलरों के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं जो जिले में ड्रग सप्लाई करते आ रहे हैं। जिला पुलिस की CIA विंग ने दिल्ली से एक नाइजीरियन युवक को काबू किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 12 मार्च को हीरोइन तस्करी के आरोप में एक युवक को काबू किया गया था। पूछताछ में उसने दिल्ली के एक नाइजीरियन युवक से हीरोइन लाए जाने की बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने जब दिल्ली में जाकर दबिश दी तो आरोपी युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड लिया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस उससे पूछताछ करेगी, जिससे उसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सकेगा। फिलहाल बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस के काबू आया युवक ने अपने एक और साथी का नाम जेम्स बताया है, जिससे उसने हेरोइन लाए जाने की बात बताई थी। अब देखना यह होगा कि पुलिस के हाथ कहाँ तक पहुँच पाते हैं। नशा तस्करों पर जो है शिकंजा कसते हुए SP साहब के निर्देशानुसार दिनांक 12/3/2019 को भट्टू एरिया से सनी नामक व्यक्ति को 25 ग्राम हेरोइन के साथ CIA स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार किया था और उसके पूछताछ के अंदर ये बात सामने आई कि ये जो ना हीरोइन वो नाइजीरियन दिल्ली से लिया था, जिस पर उसका 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया और पुलिस रिमांड पर जो है ना उसके डिमार्केशन पर जो है कल नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और आज जो है ना उसे पेश अदालत करके 3 दिन का रिमांड हासिल किया है।